गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। प्रीवियस क्लास में हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किए थे, रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। और आज हम देखेंगे एनिमल्स और प्लांट के, प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। आपको ये पेज दिख रहा है? यस मैम। ओके। यस मैम। तो क्या लिखा गया है ना, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये क्या है, डिफरेंट प्लांट और एनिमल में से दिखाई देता है, ठीक है। सब में होता है, प्लांट और एनिमल में। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। हो रेड फर्स्ट पैराग्राफ। मैम हम पढ़े। अनुज। अनुज मैम पढ़े। ठीक है पढ़ो। ये स्वाति, स्वाति स्वाति रीड दिस पैराग्राफ। Animals and plants. The process of respiration take place in different animal and plants. Different animals have different body part for breathing. Respiration in animals. Insect like cockroaches, grasshoppers and honeybees have tiny opening called spiracles on the sides of their body for breathing. These spiracles lead to network spiracles. Of tubes called Hello. Yes, ma'am. Tragic insect breathe in air through the spiracles and through trick carry it to the cell. The cell uses this oxygen for respiration and produce carbon dioxide. It diffuses out of the cell into the tracheal tubes and is exhaled through the spiracles. ठीक है, देखो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में देखेंगे कि इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, ठीक, ग्रास ओपोर और आपका क्या है, हनी बीज, ये जो है ये सब क्या है, कॉकरोच, ग्रास ओपोर, हनी बीज, ये क्या होते हैं बताओ, इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। अब टिनी ओपनिंग, उनमें से क्या होता है ना, छोटा सा ओपनिंग रहता है, छेद रहती है, ठीक है। तो वो छेद वो क्या कहते हैं ना, स्पाइरकल कहते हैं, ठीक है, स्पाइरकल कहते हैं। फिगर देख लेना, छेद देख रहे हो, स्पाइरकल का छेद, स्पाइरकल किसको कहते हैं, ठीक है। इंसेक्ट का ये जो छेद है, ये छोटा छोटा पोर देख रहे हो पीछे की साइड है, ठीक है। ये ग्रास ऊपर का फिगर है, उसका देखो पीछे की साइड में काला काला सा आपको दिख रहा है ना, ये छेद है, उसको कहते हैं स्पाइरकल, दिखा हुआ है। ये स्पाइरकल में क्या है ना, दिस स्पाइरकल लीड्स टू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड ट्राकिया। ट्राकिया आप देख रहे हो ना, ये जो है नीचे की थोड़ा सा मैग्निफाइड करके आपको दिखाया गया है कि ये छेद के अंदर ऐसे होता है, ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, बाहर से नहीं दिखेगा, ये अंदर की पार्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है आपको, इसको कहते हैं ट्राकिया। इंसेक्ट ब्रीद इन एयर थ्रू द स्पाइरकल्स एंड द ट्राकिया कैरी इट इनटू द सेल। ट्राकिया क्या करता है ना, ये स्पाइरकल के जो स्पाइरकल है छेद के अंदर ऑक्सीजन अंदर एंट्री करता है, और ये जो ट्राकिया है अंदर वो ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है। और क्या होता है, द सेल्स यूज दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सेल क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज करेगा रेस्पिरेशन के लिए एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। इट डिफ्यूज्ड आउट द सेल इनटू द ट्राकियल ट्यूब्स एंड इज एक्सहेल्ड थ्रू द स्पाइरकल। ये जो छेद आप देख रहे हैं काला काला सा है आपका पीछे देख रहे हो आप, तो ये छेद से वो क्या करेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, ठीक है। जैसे हमारा नाक काम करता है ना, हमारे जो नोज है, नोज में से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऐसे ये जो ग्रास ऊपर आप फिगर देख रहे हैं, इसका ट्राकिया बिल्कुल नाक की तरह काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पाइराकल, समझ में आ गया ना, स्पाइराकल बिल्कुल नाक जैसे काम करता है उसका, ठीक है। और स्पाइराकल के अंदर जो ट्राकिया है, ट्राकिया का काम क्या है ना, वो ऑक्सीजन को लेके सेल में पहुंचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिश, फिश में से क्या है आपका ब्रीदिंग जो ऑर्गन से, उसका नाम क्या है ना, गिल्स। अब देख रहे ना गिल्स, ये फिगर में, फिगर नंबर 3 गिल्स है ये। ये गिल्स क्या करता है ना, गिल्स के अंदर वो पानी भरते हैं, जैसे वाटर एंटर द गिल्स थ्रू द माउथ, मुंह खोल के घूमते हैं। मछली कभी देखा होगा पानी में तैरते हुए तो मुंह खोलते हैं, ठीक है। मुंह खोलने से क्या होता है ना, पानी अंदर जाता है और ये जो आप फिगर देख रहे हैं गिल्स, गिल्स के थ्रू बाहर निकलता है। तो गिल्स में जो फोल्ड है, गिल्स हैव मेनी फोल्ड्स दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर टू बी ऑब्जर्व। वो क्या करता है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। द ऑक्सीजन इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल थ्रू द ब्लड। ब्लड के साथ ये देख लो ना, रेड रेड दिख रहा है ना ये गिल्स, तो ब्लड के साथ वो क्या होता है ना, मिक्सअप हो जाता है और बॉडी में जाके यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट देखो एम्फीबियंस, एम्फीबियन का फिगर आप देख रहे हो, ये है फ्रॉग है। एम्फीबियन में क्या है ना, वो जब एम्फीबियन किसको कहते हैं भाई, जो लैंड एरिया और वाटर एरिया दोनों एरिया में रह पाते हैं वो है एम्फीबियंस, ठीक है। तो फ्रॉग क्या है ना, पानी में भी रहते हैं और लैंड एरिया में भी रहते हैं। जब लैंड एरिया में रहते हैं तो उस टाइम में वो लॉन्ग्स से सांस लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं ना, लॉन्ग्स का हेल्प लेते हैं हम सांस लेने के लिए, तो ऐसे फ्रॉग्स भी लॉन्ग्स का हेल्प लेता है। कब लेता है ना, जब लैंड एरिया में रहता है। जब पानी के अंदर आ जाता है तो उसका जो स्किन है, स्किन से वो क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस में ऑक्सीजन को, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको डिफ्यूजन प्रोसेस में अपने अंदर ले लेता है। तभी फ्रॉग का देखो ये कैपेसिटीज है कि जब पानी के अंदर चला जाएगा तो एटमोस्फेयर का एयर वो ले नहीं पाएगा, तो उस टाइम में उसका स्किन हेल्प करेगा उसको सांस लेने में। स्किन में से छोटे छोटे छेद होती है, उसमें से डिफ्यूजन प्रोसेस में पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको वो अंदर ले लेगा, ठीक है। और जब लैंड एरिया में रहेगा तो लॉन्ग से वो सांस लेता है। तो फ्रॉग दोनों तरीके से सांस ले सकता है, ठीक है, बाय द स्किन बाय द लॉन्ग्स। और अर्धवर्म क्या करता है, अर्धवर्म ऑल्सो हैव मॉइस्ट एंड स्लीपरी स्किन, उसका भी क्या है, स्किन है, स्किन से वो सांस लेता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है भाई। जितने भी जीव होते हैं, वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, सब रेस्पिरेशन करते हैं, सबके लिए एनर्जी चाहिए, इस वजह से प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है। तो कैसे करता है, उसका पार्ट क्या है ना, प्लांट रेस्पायर थ्रू द टीनी पोर, उनमें से बहुत छोटा छेद होता है जो छेद को हम देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, स्टोमाटा, याद रखना है स्टोमाटा। स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ देयर लीव्स, लीव्स में पाया जाता है स्टोमाटा। द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है, मीन्स वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। बट एक चीज क्या है फायदा ना, वो ये जो रेस्पिरेशन करता है ना, वो रात को टाइम करता है, दिन में नहीं करता है। प्लांट भी हमारे जैसे दिन रात रेस्पिरेशन करेगा, तभी हमें और ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, हम जब मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक्सेप्शन क्या है ना, हम दिन रात हमेशा सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन चलता रहता है, बट प्लांट क्या करता है, रात को टाइम में ऑक्सीजन लेता है, दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक है। ये इस वजह से कहते हैं कि रात को टाइम में पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि रात को टाइम में पेड़ को भी ऑक्सीजन चाहिए, हमें भी चाहिए, तो कंपटीशन लग जाएगा। हमारा दो छेद है, नाक है छोटा सा, उसमें से हम कितना ऑक्सीजन ले पाएंगे, बट पेड़ में से बहुत सारे पत्ते होते हैं, एक पत्ते में से भी बहुत सारे स्टोमाटा होता है, तभी जब हम कंपेयर करेंगे हमारा नाक से ज्यादा नाक उसका है, तो ज्यादा ऑक्सीजन वो खींच लेगा, तो पेड़ों के नीचे जब हम सोए रहेंगे तभी हम मर जाएंगे, मरने का चांसेस है ज्यादा, ठीक है। इसलिए कहते हैं रात को टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को टाइम में प्लांट ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ठीक है, समझ में आया ना ये चीज। और कार्बन डाइऑक्साइड दिन में क्यों लेता है ना, दिन में उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, लेता है अपने अंदर, ठीक है, समझ में आ गया या नहीं बताओ। यस मैम।
कुछ डाउट है तभी पूछ लो. यस मैम. यस मैम. तो ये टॉपिक में कुछ डाउट है तभी पूछो. है कुछ डाउट मैम? पेड़ हमारी. यस पूछो, जल्दी पूछो. राशि पूछो, क्या हुआ? आज के लिए इतना है क्लास. बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम. बाय मैम. हैव अ नाइस डे मैम.